कई इंतजार कर रहा था कि कब आप आओगे, फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा, ये कोई टाइम है लेक्चर में आने का? और एक बात बताओ मेरे को, इतना क्या पढ़ाई का शौक है आप लोगों को? अरे लॉकडाउन है, यूट्यूब पे और कुछ मिला नहीं जो लेक्चर देखने आ गए? अब मैं समझा, एग्जाम्स है ना, इसीलिए ये पढ़ने आए। बाकी मुझे पता है कि तुम लोग ऐसे नहीं हो कि यूट्यूब पे गेम वेम छोड़ के, गाने वाने छोड़ के लेक्चर देखने आओगे। चलो तुम लोग एग्जाम्स के डर से आए हो तो पढ़ा देता हूँ। पर उससे पहले एक बात मेरे को बताओ यार, एग्जाम्स के डर से भी पढ़ने आए हो, लेकिन ऐसा क्या पढ़ाई का कीड़ा इंस्टॉल करा के आए हो कि पढ़ लेते हो भाई? हमसे तो वो भी नहीं होता, कैसे होगा, पढ़ा रहा हूँ, मुझे थोड़ी पढ़ना है। चलो अब पिछले लेक्चर का आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, आपको याद हो ना हो, पिछले लेक्चर में लास्ट के अंदर हमने एक लंबे चौड़ी लिस्ट देखी थी कि अलग अलग टाइप के सोलर कलेक्टर या फिर सोलर पैनल्स के बारे में। तो उस लंबी लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से दो ग्रुप वाला हमने लिस्ट देखा था, बेसिक ब्रीफ वाला, जिसमें हमने देखा था कि खाली दो टाइप का मेजर ट्रांसमिशन होता है, जो है कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप और नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप। तो ये वाला जो लेक्चर जो है पूरा नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप के सोलर पैनल्स में हमने कुर्बानी किया हुआ है, पूरा लेक्चर उसी के अलग अलग टाइप्स के बारे में है। तो उससे पहले हम डिटेल में जाएं, उससे पहले जान लो कि इनको हम वाटर हीटिंग के लिए, स्पेस हीटिंग के लिए, स्पेस हीटिंग यानी जगह गर्म करने के लिए, स्पेस के अंदर की जगह नहीं गर्म करनी है, बाद में एग्रीकल्चर क्रॉप्स को सुखाने के लिए, फ्रूट के जूस में से पाउडर बनाने के लिए, वुड को सीजन करने के लिए, और वाटर डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला नमूना यानी टाइप है वो है फ्लैट प्लेट पैनल का। तो ये जो ऑब्वियसली वर्किंग जो है इनका, वो सोलर रेडिएशन अब्जॉर्प्शन के ऊपर काम करता है। और क्योंकि इनका नाम ही फ्लैट प्लेट है तो इनका रिसीविंग सरफेस नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लैट होगा। और इस फ्लैट सरफेस के ऊपर हम अगर एक ग्लास या प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट सरफेस लगा देते हैं तो वो हमारा ग्लेस टाइप पैनल हो जाएगा। और ये जो कवर हमने लगाया है और जो हमारी अब्जॉर्बर या फिर रिसीविंग सरफेस है, इन दोनों के बीच में हम एक एयर टाइट स्पेस को मेंटेन करके रखते हैं। अब इनका एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि ये कवर लगाने से होता क्या है। तो जैसे ही मेरी सनलाइट रेडी कवर के ऊपर पड़ती है, तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट रखी है ना, तो कवर के अंदर तो चली जाएगी, लेकिन किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप सनलाइट डालते हैं थोड़ी सी परसेंटेज वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हमारी जो एब्जॉर्बर प्लेट या फिर इंसिडेंट सरफेस के ऊपर जो सनलाइट होगी वो रिफ्लेक्ट होने की ट्राई करेगी, और जो रिफ्लेक्ट हुई भाग रही है ना जो सनलाइट, उसको रोकने का काम हमारा एक कवर तब काम आता है, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसको वापस अंदर की बाजू वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, ताकि कोई भी बच के ना जा पाए हमारे सोलर रेडिएशन। और वहाँ पे अंदर ही अंदर उस एयर टाइट स्पेस के अंदर हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने मिलता है, जिसकी वजह से हमारा जो सोलर पैनल है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। और ही साथ ही साथ अब आप सोच रहे होंगे कि एयर टाइट स्पेस का क्या काम, कवर का तो खबर पड़ गई, पर ये एयर टाइट स्पेस ग्रीन हाउस के इफेक्ट के अलावा क्या काम करता है? तो हीट जो है ना बहुत ही भगौड़ी चीज़ है, यानी एक जगह शांति से बैठती नहीं है। हीट एनर्जी का प्रॉपर्टी ऐसा है कि कहीं ना कहीं भागती रहती है, हाई टू लो। तो ऑब्वियसली हमारे सोलर रेडिएशन का टेम्परेचर बहुत ही हाई है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर तो लो है, तो हीट वहाँ भागने की ट्राई करेगी, लेकिन क्योंकि हमने एयर को जो एयर टाइट स्पेस में रखा है, एयर वहाँ से नहीं जा पाएगी, तो हीट को भी जाने के लिए रास्ता जो है कम हो जाएगा, यानी एयर का जो हीट लॉस होता है ना वो हमने एक तरह से मिनिमाइज कर दिया इस एयर टाइट स्पेस की वजह से। क्योंकि एयर अगर वहाँ पे फ्लो होती रहती तो एयर कंटिन्यूसली आके गर्म हवा को लेके चली जाती, लेकिन एयर टाइट कर दिया है ना तो अब एयर आ नहीं सकती और हीट को ले जा नहीं सकती, तो जो भागने की स्पीड थी हमने हीट की वो थोड़ी कम कर दी है, और इससे जो पैनल्स का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा और हम ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है ना, इनको और हम डिटेल में दो ग्रुप पाड़े हुए हैं, वो है लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर और है एयर फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो सबसे पहले हम लिक्विड की बात कर लेते हैं। तो लिक्विड फ्लैट प्लेट करेक्टर जो है उनके पांच मेन कंपोनेंट होते हैं, जो आप इस फिगर्स में देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो पहला होता है अब्जॉर्बर प्लेट, कि जो सारी हीट को अब्जॉर्ब करेगी या फिर जो हमारा इंसिडेंट सरफेस है वो, बाद में उसके ऊपर लगाया गया ट्रांसपेरेंट कवर, फिर इस पूरे सेटअप को मेंटेन करने के लिए केसिंग या फिर बॉक्स, और एब्जॉर्बर प्लेट के साथ लगी हुई ट्यूब्स और बॉक्स के अंदर के साइड लगी हुई इंसुलेशन। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं
कि सोलर रेडिएशन जो है सबसे पहले हमारे यहाँ जो ग्लेजिंग शीट या फिर ट्रांसपेरेंट कवर है उसके ऊपर पड़ती है। अब कवर में आ जाने के बाद हमारे एयर टाइट स्पेस जो हमने मेंटेन किया है अब्जॉर्बर और कवर के बीच, वहाँ पर इसका असर देखने में मिलता है कि वहाँ पर हमें हीट जनरेट मिलती है। अब ये जो रेडिएशन आए हैं अंदर, ये अब्जॉर्बर प्लेट के ऊपर पड़ेंगे जो ब्लैक कलर की मेटल से बनी हुई है। कभी भी याद रखना है कि अब्जॉर्बर प्लेट जो है उसको हम काला कलर पोत के रखते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि काला कलर जो है बहुत ही अच्छे से सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर सकता है। और उसको हम मेटल से भी इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेटल की जो है थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है। तो अब ये जो सोलर रेडिएशन आए थे उसको हमने एब्जॉर्बर प्लेट से एब्जॉर्ब करा दिया है। अब यही एब्जॉर्बर प्लेट हीट जनरेट करेगी, यानी सोलर एनर्जी का अब हमें हीट एनर्जी में कन्वर्जन मिल गया है इस एयर टाइट स्पेस के बीच में। यानी जो एब्जॉर्बर और ग्लास के बीच में जो एयर टाइट स्पेस था वहाँ का टेम्परेचर अब बढ़ने लग जाएगा हीट जनरेशन की वजह से। अब इस स्पेस के बीच में यानी एब्जॉर्बर प्लेट्स के साथ हम कुछ 10-12 या फिर 11-12 ट्यूब्स वेल्डिंग या ब्रेजिंग से एब्जॉर्बर प्लेट के साथ ज्वाइन कर देंगे, जिनका डायामीटर 10 से 15 mm तक होगा और हमारा जो लिक्विड है वो इन्हीं ट्यूब्स के अंदर से पास होगा। अब हमने इनकी कंस्ट्रक्शन या फिर सेटअप कुछ इस तरह से की है कि अब्जॉर्बर प्लेट ने जो भी गर्मी लेके बैठी है ना सोलर रेडिएशन की, वो सारी गर्मी अब ये ट्यूब्स को दे देगा और जो हमारा लिक्विड इन ट्यूब से पास हो रहा है वो ट्यूब्स के जरिए इन गर्मी को अपने आप अब्जॉर्ब करके खुद हीटअप हो जाएगा और हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर हमारा फ्लूइड मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर के साइड्स में हम 5 से 10 mm जाड़ी इंसुलेशन की कोटिंग देते हैं ताकि जो भी अंदर हीट आई है ना वो बच के बाहर भाग ना पाए, क्योंकि एयर टाइट स्पेस होने के बावजूद हमारा जो लकड़ी का या फिर हमने जिस मटेरियल से हमारा बॉक्स बनाया है उस मटेरियल की खुद की थर्मल कंडक्टिविटी होती है कुछ, जिसकी वजह से हीट वहाँ से भागने की ट्राई करती है। तो उसे रोकने के लिए हमने इंसुलेशन कोटिंग चढ़ाई हुई है जो उस हीट लॉस को रोक देती है। और इस पूरे सेटअप को हमने बॉक्स शीट मेटल या लकड़े के बॉक्स के अंदर इस तरह से बिठाया है कि ऊपर से सूरज की रोशनी आएगी लेकिन अंदर के साइड में ही कैद होकर रह जाएगी ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह, और वहाँ पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा और हमारा पानी गर्म हो जाएगा। अब इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमने दो मेजर पाइप दिए जिसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स को हमने कनेक्ट किया गया है। तो जो ठंडा पानी जो है कभी भी नीचे से साइड से ही आएगा और क्योंकि यहाँ पर वो अब्जॉर्बर प्लेट से हीट लेगा तो यहाँ पे वो गर्म होने लगेगा। अब हम सभी को पता है कि गर्म पानी जो है वो ठंडे पानी से डेंसिटी में हल्का होता है, तो गर्म पानी ऑब्वियसली ऊपर के बाजू जाएगा और ऊपर के साइड में ही हमने पूरा एक कॉमन पाइप दिया है जिसके अंदर से हॉट वाटर बाहर आ सकता है या फिर आप जिस जहाँ चाहे उसका कनेक्शन दे सकते हैं। अब एक सवाल जो है वो कब से आपके दिमाग में जो है कुदक्किया लगा हो रहा होगा कि यहाँ पे ऊपर वाली फिगर में हमने ट्यूब्स के नीचे एब्जॉर्बर प्लेट डाली है लेकिन इस नीचे वाली फिगर में ट्यूब्स के ऊपर एब्जॉर्बर प्लेट लगी है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उसका जवाब मैं अभी आपको दे देता हूँ। पहले आप ये फिगर देख लीजिए कि आपको एग्जाम्स में ड्रॉ करने के लिए इजी होगी, नहीं तो कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर 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 हम एग्जाम में कलर तो लेके जाते ही नहीं, कलरफुल फिगर कहाँ से बनाएंगे? तो लो भाई तुम्हारे लिए ब्लैक एंड वाइट फिगर भी है। तो जब हम बात कर रहे थे मेन कि एक फिगर में एब्जॉर्बर प्लेट के ऊपर ट्यूब्स थे और दूसरे में उसके नीचे, तो वो जो है भाई इंसानों की करामात है, इंसानी दिमाग की करामात है, जुगाड़ी दिमाग की करामात है कि इंसान को है ना एक चीज़ से मज़ा नहीं आता, तो उसके अंदर 10-12 वेरिएशन लाने का जब तक लाता नहीं है ना उसको शांति नहीं मिलती। तो इतने सारे अलग अलग टाइप के वेरिएशन की कभी अब्जॉर्बर प्लेट के ऊपर डाल दिए, अब्जॉर्बर प्लेट के नीचे डाल दिए, अब्जॉर्बर प्लेट के बीचों बीच डाल दिए, इंसुलेशन के अंदर घुसा दी ट्यूब्स को, ट्यूब्स का शेप चेंज कर दिया या फिर कभी ग्लास कवर ही हटा दिया, इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर करके हमने वाटर हीटर बनाए हुए हैं। लेकिन इनमें से जो ये जो पहला टाइप है ना वो बहुत ही ईजी और सिंपल है, इसलिए एग्जाम्स में आप वो ड्रॉ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जो भाई है ये लिक्विड फ्लैट प्लेट करेक्टर्स का एक आप कह सकते हैं कि भाई रिश्तेदार जैसा कुछ है या फिर इसी की बिरादरी का कोई दूसरा टाइप है जिसे हम कहते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब टाइप कलेक्टर्स। तो इनके है ना बहुत ही ज़्यादा चर्चे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, क्यों? क्योंकि ये साइज़ में तो बहुत ही छोटे हैं, वजन में भी हल्के हैं, लेकिन एफिशिएंसी भाई टॉप क्लास, सुपर से भी ऊपर वाली एफिशिएंसी देते हैं आपको। और इनके अंदर जो एयर टाइट या फिर वैक्यूम मेंटेन करने की काबिलियत है वो और किसी सोलर प्लेट पैनल में नहीं मिलती आपको।
तो इनका जो कंस्ट्रक्शन है ना बहुत ही स्पेशल और स्पेसिफिक अरेंजमेंट से बनता है, जिसके अंदर हम 10 से 15 ग्लास ट्यूब्स को एक कॉमन इनलेट और आउटलेट पाइप से ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ग्लास ट्यूब्स को बना रहे हैं हम, मेटल ट्यूब्स नहीं, ग्लास ट्यूब्स। और इस पूरे सेटअप को सेम हमारी वही के बॉक्स के अंदर डालना है, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कोटिंग चढ़ानी है, वही सब सेटअप करना है। बस फर्क यह है कि यहाँ पे हम ग्लास ट्यूब्स का यूज़ कर रहे हैं। अब इनके अंदर हमने और भी तीन टाइप पार दिए, वो क्या है ना, मज़ा नहीं आया ना एक में तो ले लो मज़ा भाई, तीन ग्रुप पार दो। पहला है टाइप वन, जिसके अंदर ट्यूब के अंदर ट्यूब डाल दी, तो एक ग्लास ट्यूब के अंदर कॉपर ट्यूब डाल दी, जिसमें दोनों के बीच में वैक्यूम मेंटेन किया गया है ताकि हमें और भी अच्छा एयर टाइट स्पेस मिले और हीट का लॉस कम हो जाए। बाद में भाई दूसरा है प्लेट इन ट्यूब टाइप, के ट्यूब के अंदर प्लेट घुसा दो और उसके ऊपर हमारा एब्जॉर्बर प्लेट यानी जो हीटिंग पाइप है यानी कॉपर पाइप है वो डाल दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक पाइप को काट के बताया है, यानी मैंने नहीं काटा, फिगर में कटी हुई है, कि ग्लास ट्यूब है और उसके अंदर एक एब्जॉर्बर प्लेट है और एब्जॉर्बर प्लेट के ऊपर हमने कॉपर की पाइप जोड़ी हुई है। इस कॉपर की पाइप में से हमारा पानी फ्लो होता है, तो ग्लास ट्यूब जो है अंदर हीट को आने देगी, एब्जॉर्बर प्लेट हीट गर्म करेगी और हीट पाइप को दे देगी। एक बात इसमें आपको याद रखनी है कि जो अब ये जो इवैक्यूएटेड ट्यूब लिखी हुई है ना, इस पूरी कांच की ट्यूब के अंदर वैक्यूम मेंटेन करके रखा गया है ताकि वहाँ पे ज़रा सा भी हीट लॉस हम रोक सकें। और जो फाइनल सबसे दिमाग ख़राब कर देने वाली है वो है ये टू पाइप इन कॉन्सेंट्रेटिक ट्यूब टाइप, जिसे हम कहते हैं टाइप थ्री इवैक्यूएटेड टाइप कलेक्टर, जिसका फिगर समझने में मुझे भी 2 दिन निकल गए, पर चिंता मत करो आपको 2 मिनट में समझा दूंगा। और बदकिस्मती से आपकी एग्जाम्स में यही फिगर पूछाई जाती है टाइप थ्री इवैक्यूएटेड ट्यूब टाइप कलेक्टर की। तो चलो उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो फिर से यही आप देख सकते हैं वो बदसूरत ब्लैक एंड वाइट फिगर जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे पहला तो स्टेटमेंट में यही कहूंगा कि भाई इसकी डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाई, जिसने भी बनाई है बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसको, बिना काम का नहीं यानी एफिशिएंसी बहुत बढ़ा दी पर यार फिर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इसको। अब ये कैसे बनता है उसको मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर हमने दूसरी ग्लास ट्यूब को घुसा दिया है, और इन दोनों ग्लास ट्यूब को हमें ग्लास फ्यूजिंग से दोनों के एंड को सील कर देना है ताकि वहां से वैक्यूम हम लीक ना कर सके, और इन दोनों ट्यूब्स के बीच में हमें वैक्यूम मेंटेन करना है, यानी बाहर वाली कांच की ट्यूब और अंदर वाली कांच की ट्यूब दोनों का बीच का जो स्पेस है वहां पर वैक्यूम मेंटेन करना है। वहां से हमें पूरी एयर को सक कर लेना है और वहां पर वैक्यूम मेंटेन करना है, बाद में ग्लास फ्यूजिंग करके दोनों को कंप्लीटली सील प्रूफ लीक प्रूफ पैक कर देना है। अब ये जो अंदर वाली ट्यूब थी उसके ऊपर हम एक स्पेशल कोटिंग चढ़ाते हैं, जिस ऐसे मटेरियल की जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ही हाई लेवल की हो, तो जितनी भी हीट आउटर ग्लास ट्यूब अंदर भेजेगी वो इनर ग्लास ट्यूब अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अब इस इनर ग्लास ट्यूब के और अंदर हम एक कॉपर की पाइप डाल देंगे, क्योंकि कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इस इनर ग्लास ट्यूब के अंदर हमने एक और कॉपर का पाइप डाल दिया, यानी अब तक तो 3 पाइप आ गए हैं, और फिर इसके अंदर और 2 छोटे छोटे पाइप हमने डाल दिए कॉपर की पाइप के अंदर, कि जिसके अंदर से हमारा फ्लूड अब पास होगा। बाद में फाइनली इन दोनों पाइप को हमने कॉमन कनेक्शन से इनलेट आउटलेट फ्लो दे दिया है। तो जैसे कि मैं कह रहा था, इन 2 मेटल ट्यूब्स के अंदर से हमारा फ्लूड पास होगा, और ये जो कंस्ट्रक्शन आपने देखा ना कि एक ग्लास ट्यूब, उसके अंदर दूसरी ग्लास ट्यूब, फिर उसके ऊपर एक अब्जॉर्बिंग मटेरियल, और इस अंदर वाली ग्लास ट्यूब के अंदर एक कॉपर पाइप, इस कॉपर पाइप के अंदर और 2 छोटे मेटल पाइप जिसमें से हमारा फ्लूइड पास होगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये थर्मस जैसा थोड़ा बहुत सिमिलर है, कि जिसमें एक बार हीट अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर भाग के नहीं जा पाती। तो जो बाहर वाला ग्लास है वो हीट को अंदर इम्पार्ट आने देगा, अब्जॉर्बिंग मटेरियल वाली इनर ग्लास ट्यूब हीट को अब्जॉर्ब करेगी और कॉपर पाइप पे ट्रांसफर करेगी। अब जो कॉपर पाइप जो है उसके अंदर रही हुई 2 मेटल ट्यूब्स के अंदर ये हीट ट्रांसफर एकदम हाई एफिशिएंसी से करेगा। इस वजह से यहाँ पे हीट लॉस जो है, इतने सारे फेसेस से पास होने की वजह से हीट लॉस बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो कन्वेक्टिव या फिर रेडिएशन की वजह से जो हीट लॉस होते हैं वो बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पे इंसुलेशन की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर पड़ती भी है ना तो बहुत ही कम इंसुलेशन लगाना पड़ता है यहाँ पे दूसरे के कंपैरिजन में।
और एक खास बात आप दिमाग में याद रखिएगा कि कोई भी टाइप का सोलर कलेक्टर हो, चाहे लिक्विड हो, इवैक्यूएटेड टाइप हो या फिर एयर टाइप हो, उन सबको हम तिरछा ही रखते हैं, यानी क्रॉस ही रखते हैं, किसी एंगल पे सेट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल पे सेट करने की वजह से जो ठंडा पानी हमेशा नीचे एंटर होगा वो पूरा पहले तो पाइप में भर जाएगा, अब जो पानी गर्म होगा वो ऑटोमेटिकली नेचुरली डेंसिटी डिफरेंस की वजह से गर्म पानी ऊपर कलेक्ट होगा उस एंगल की वजह से, और आपको गर्म पानी का पाइप आप ऊपर दोगे तो सिर्फ गर्म पानी ही वहाँ से निकलेगा। यानी यहाँ पर उसको एक एंगल पे यानी इंक्लाइन पोजिशन पे सेट करने से हम एक नेचुरल कन्वेक्शन और सर्कुलेशन मिल जाता है गर्म पानी का पाइप्स के अंदर ही अंदर, इसलिए हम उन्हें टिल्टेड पोजिशन में रखते हैं। तो अब हमने लिक्विड फ्लैट प्लेट में दो टाइप समझ लिए, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सुपर हीरो पर जो है एयर फ्लैट प्लेट टाइप कलेक्टर। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना वो बिल्कुल डिट्टो लिक्विड फ्लैट प्लेट से नहीं मिलता, क्योंकि वो सिमिलर है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। पहला फ़र्क तो ऑब्वियसली उसमें हम लिक्विड यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम एयर यूज़ करते हैं, और क्योंकि लिक्विड हम ट्यूब से पास करते हैं तो एयर को हम यहाँ पे ट्यूब से नहीं, यहाँ पे हम पार्टीशंस का यूज़ करेंगे जिससे एयर को फ्लो हम डायरेक्ट कर सकें कि इस डायरेक्शन में एयर फ्लो होनी चाहिए, उसके लिए हम पार्टीशंस का यूज़ करेंगे, ट्यूब्स यहाँ पे कुछ काम की नहीं है। तो यहाँ पे आप सिंपल फिगर देख सकते हैं एक्सप्लोडेड व्यू में, कि जिसमें हर पार्ट अलग से सेपरेट करके डिटेल व्यू में बताया गया है कि एयर यहाँ पे बॉक्स के अंदर नीचे से एंटर होगी, यहाँ पे अब्जॉर्बर प्लेट से हीट अब्जॉर्ब करेगी और आउटलेट से बाहर आ जाएगी, और सेम बाकी ग्लास कवर लगा हुआ है, बॉक्स केसिंग है, उसके अंदर इंसुलेशन है वगैरह वगैरह। अब जो अब्जॉर्बर प्लेट है वो हमारी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा कि अब्जॉर्बर प्लेट यहाँ पे पोरस या फिर नॉन पोरस मटेरियल की भी हो सकती है। अब पोरोसिटी जो है वो एक प्रॉपर्टी है जो स्पंज जैसी होल वाली कैविटीज बताती है किसी भी मटेरियल के अंदर, यानी किसी भी मटेरियल के अंदर कहीं पे भी कैविटीज आए उसके अंदर यानी खाली एम्प्टी स्पेस, तो वो पोरोसिटी कहलाती है, उसका परसेंटेज या फिर रेशियो जो है वो पोरोसिटी से मापा जाता है। तो उस टाइप की अब्जॉर्बर प्लेट्स भी यहाँ पे यूज़ की जाती है, और इसकी बाकी की जो वर्किंग है वो सेम हमारे लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर जैसी है, और फिर से आपके एग्जाम्स में ड्रॉ करने में इजी हो उसके लिए यहाँ पे टॉप व्यू और फ्रंट व्यू वाली एक फिगर मैंने बताई है, इसी से आप वर्किंग भी बहुत इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे नीचे से एयर एंटर होगी और यहाँ पे मैंने बीच में ये पार्टीशंस लगाए हैं, तो एयर के पास और कोई चारा नहीं है पर ऐसे घूम घूम के जाना पड़ेगा। अब ये जो रास्ते पे एयर फॉलो करके जाएगी उस दरमियान वो कॉन्स्टेंटली हमारे एब्जॉर्बर प्लेट के कॉन्टैक्ट में रहेगी, उस कॉन्टैक्ट की वजह से वो उससे हीट अब्जॉर्ब करेगी, और इस पैसेज से फ्लो होने के टाइम वो धीरे धीरे फाइनली जब बाहर निकलेगी तब इतनी इनफ हीट अब्जॉर्ब कर लेगी कि वो हॉट एयर बन जाएगी और हमें फाइनली रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे हॉट एयर एग्जिट पे मिल जाएगी। और लिक्विड की तरह इन्हीं में भी इंसान बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं और अलग अलग टाइप के ये पैटर्न बना है एयर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स की एब्जॉर्बर प्लेट के लिए। जी ध्यान से सुनिएगा, एब्जॉर्बर प्लेट की डिज़ाइन हमने चेंज की है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे ट्यूब्स को चेंज नहीं कर रहे, एब्जॉर्बर प्लेट की डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि एब्जॉर्बर प्लेट भाई जितनी हम वेराइटी लाएंगे उतना ही एयर के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा या कम आ पाएगी और उस हिसाब से हमारी हीट ट्रांसफ़र हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसको आप दिमाग में ट्रिपल स्टार या फाइव स्टार करके डाल दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर बार बार ये सवाल पूछा जाता है, और ये जो थियोरी है इसके ऊपर से कम ये तो आप जान करके खुद भी आंसर बना सकते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम वालों को मालूम है कि आप ये आंसर नहीं बना पाएंगे, इसलिए बार बार एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लिक्विड और एयर फ्लैट प्लेट करेक्टर का डिफरेंस बताओ। तो इसलिए हम भी इसे डिटेल में कर ही लेते हैं कि सोलर एयर हीटर और सोलर वाटर हीटर। अब ये बात मुझे सवाल मत पूछना कि सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर की हम बात करें तो हीटर कहाँ से गया, तो भाई जो एयर फ्लैट प्लेट कलेक्टर है वही हमारा सोलर हीटर है, और जो लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर है वही हमारा सोलर वाटर हीटर है, बस उसके कहने का तरीका बदला है, बाकी दोनों सेम है। तो ऑब्वियसली जो एयर हीटर है यानी सोलर एयर हीटर है उसके अंदर हम एयर को गर्म कर रहे हैं, लेकिन एयर गर्म कैसे हो रही है, डायरेक्टली एब्जॉर्बर प्लेट के कॉन्टैक्ट में आने से। अब वाटर हीटर की बात करें तो उसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, और वाटर गर्म कैसे हो रहा है, वाटर एब्जॉर्बर प्लेट के साथ जो ट्यूब्स है उनके थ्रू हीट अब्जॉर्ब करके गर्म हो रहा है। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली एयर का प्रेशर बहुत ही कम होता है, तो जो हमारे एयर फ्लैट प्लेट करेक्टर है वो कम प्रेशर पे काम करते हैं,
और जो लिक्विड फ्लैट प्लेट करेक्टर है वो ज़्यादा हाई प्रेशर पे काम करते हैं, क्योंकि लिक्विड का प्रेशर नेचुरली ज़्यादा होता है। बाद में एयर की जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ही कम है, इस वजह से एयर जो हीट अब्जॉर्ब करती है वो भी कम करती है। इसके सामने जो लिक्विड या थर्मिक फ्लूड हम यूज़ करते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए वो बहुत ही जल्दी हीट अब्जॉर्ब कर लेता है। और एयर हीटर के अंदर किसी भी टाइप का अगर आपको लीकेज मिले तो उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस हीट लॉस होता है, लेकिन फिर भी आपका यूनिट जो है एयर हीटर वो चलता रहता है। लेकिन वाटर हीटर में अगर किसी भी टाइप का लीकेज आया तो आपका वाटर हीटर अच्छे से काम करना बंद कर देगा, और आपको तुरंत उसको, जब तक आप रिप्लेस करके ठीक नहीं करोगे तब तक आप उसको यूज़ में नहीं ले पाओगे। और ऑब्वियसली क्योंकि हम एयर यूज़ कर रहे हैं एयर हीटर के अंदर, तो कोरोजन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और अगर हो भी जाए तो नेचुरल बाहर की पानी की वजह से होगा और उसके भी चांस बहुत कम है। लेकिन वाटर हीटर के अंदर क्योंकि पानी ही फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे चांसेस ऑफ कोरोजन बहुत ही हाई है। बाद में एयर फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है उसके अंदर जो एब्जॉर्बर प्लेट है उसके अंदर हम हनीकॉम टाइप या मैट्रिक्स टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन लिक्विड के लिए ज़्यादातर फ्लैट एब्जॉर्बर प्लेट फ्लैट ही रहती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एब्जॉर्बर प्लेट की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे कंस्ट्रक्शन ओवरऑल की नहीं, एब्जॉर्बर प्लेट की। ट्यूब्स का शेप चेंज हो सकता है लेकिन एब्जॉर्बर प्लेट कभी भी फ्लैट ही रहती है वाटर हीटर के अंदर। अब एयर क्योंकि स्पेसिफिक हीट लो है तो हीट धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगी, तो उसके लिए अगर मुझे एयर को ज़्यादा गर्म करना है तो एयर का जो फ्लो पैसेज है वो मुझे ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा, तब जाके वो ज़्यादा गर्म हो पाएगी। लेकिन पानी जो है उस छोटी छोटी ट्यूब्स डालने से भी जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट हाई है। अब एयर कभी फ्रीज होती नहीं है तो यहाँ पे फ्रीजिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती सोलर एयर हीटर में, लेकिन जो वाटर हीटर है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, लेकिन कुछ आउटर सिटीज़ जैसे कि स्विट्ज़रलैंड हो गए, वहाँ पे अगर आप सोलर वाटर हीटर इंस्टॉल करते हैं तो रात के टाइम पे वहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, राइट? तो इतने लो टेम्परेचर पे जो पाइप्स के अंदर का पानी है वो फ्रीज हो जाता है। अब कभी आपने घर पे एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पानी को अगर आप बर्फ बनाते हैं तो पानी थोड़ा सा फूल जाता है, आपकी बर्फ जो है थोड़ी फूली हुई बनती है, यानी अगर आप पानी को फ्रीज करते हो तो वो थोड़ा एक्सपांड होता है। तो आप सोचो कि हमारा फिक्स साइज की ट्यूब है उसके अंदर पानी एक्सपांड हुआ, क्या होगा, हमारी ट्यूब्स फट जाएगी। इसीलिए फ्रीजिंग की प्रॉब्लम वाटर हीटर में आ सकती है ठंडे देशों में। अब जो एयर कलेक्टर है उनका यूज़ बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि गर्म एयर की ज़रूरत बहुत ही कम होती है, तो ऑब्वियसली उनका यूज़ भी बहुत कम है एयर हीटर्स का। लेकिन लिक्विड कलेक्टर बहुत ज़्यादा काम आते हैं क्योंकि हमें पानी नहाने के लिए भी गर्म करना पड़ता है, चाय के लिए गर्म करना पड़ सकता है, खाना बनाने के लिए गर्म पानी चाहिए होता है, केमिकल्स को गर्म करना हो सकता है, इसलिए इंडस्ट्री के अंदर लिक्विड कलेक्टर्स का बहुत ही ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है। और जो फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनके लिए सोलर एयर हीटर बनाना बहुत इजी है क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा कुछ ट्यूब्स नहीं डालनी, ज़्यादा कुछ पार्ट्स नहीं डालने, इसलिए एयर हीटर बनाना बहुत ही इजी है। लेकिन वाटर हीटर के लिए हमें ट्यूब्स बहुत सारी लगानी पड़ती है, उनको अच्छे से वेल्डिंग करनी पड़ती है एब्जॉर्बर प्लेट के साथ, उनका साइज़ थोड़ा बड़ा आता है, इसलिए उनके फैब्रिकेशन और कंस्ट्रक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। और एयर हीटर क्योंकि एयर कम हीट एब्जॉर्ब करती है उस वजह से एयर हीटर की एफिशिएंसी भी कम होती है और वाटर हीटर की एफिशिएंसी हाई होती है कंपैरेटिवली। और ऑब्वियसली क्योंकि एयर हीटर का मैन्युफैक्चरिंग इजी है तो उसका कॉस्ट भी कम है और वाटर हीटर का कॉस्ट ज़्यादा है थोड़ा सा। तो ये एक सिंपल डिफरेंशिएशन आपके एग्जाम्स के लिए हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं फ्लैट प्लेट पैनल की एफिशिएंसी और उसके कुछ फैक्टर्स जिससे वो एफिशिएंसी इफेक्ट होती है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है फ्लैट प्लेट करेक्टर्स का कि एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल एनर्जी कन्वर्टेड इन गिवन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इंसिडेंट इन गिवन टाइम, यानी कि एक सिंपल रेशियो कि आपके फ्लैट प्लेट करेक्टर के ऊपर कितनी एनर्जी आई और उसमें से कितनी कन्वर्ट की, दोनों का रेशियो सिंपल। अब कौन से फैक्टर इस पर डिपेंड एफिशिएंसी को बदल सकते हैं, तो पहला टेम्परेचर पैटर्न ऑफ कलेक्टर। कई सारे कलेक्टर्स में स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर बढ़ता है तब एफिशिएंसी अच्छी आती है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि टेम्परेचर एक लिमिट तक बढ़ता है फिर बाद में एफिशिएंसी ड्रॉप होने लग जाती है, तो वो पैटर्न भी हमें समझनी पड़ती है। हर कलेक्टर के मटेरियल के हिसाब से अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड जो है वो है थर्मल कंडक्टिविटी और प्लेट और ट्यूब का कनेक्शन।
तो आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है प्लेट और ट्यूब के कि वो कितना अच्छे से हीट अब्जॉर्ब करेंगे, कितना अच्छे से ट्रांसफर करेंगे। इसलिए उनकी थर्मल कंडक्टिविटी और उनको कैसे ज्वाइंट किया है, वेल्डिंग से किया है, सोल्डरिंग से किया है, ब्रेजिंग से किया है, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी एफिशिएंसी कितनी हाई मिलेगी आपको। और फाइनली जो है कि भाई हीट लॉस कैसे हो रहे हैं, तो हीट लॉस में और तीन टाइप है, वो एक कंडक्शन हीट लॉस, कन्वेक्शन हीट लॉस और फाइनली रेडिएशन हीट लॉस। ये तीनों हीट लॉस आपके रेडिएशन हीट ट्रांसफर की वजह से होते हैं, और जैसे हीट ट्रांसफर होते हैं उतने टाइप के लॉस भी होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हमने स्टडी कर लिए कि इनकी वजह से एफिशिएंसी अफेक्ट करती है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है कि भाई मैं कैसे कह सकता हूँ कि जो मैंने फ्लैट प्लेट कलेक्टर लिया है वो भाई सबसे अच्छा वही है, तो उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला, उसका जो ट्रांसपेरेंट कवर है उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ही हाई होनी चाहिए, यानी उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन पास इजीली हो जाने चाहिए लेकिन वापस नहीं जाने चाहिए। सेकंड, कि उसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से होना चाहिए कि बहुत ही हाई टेम्परेचर भी अगर आ जाए तो उसको विथस्टैंड कर सके, उसके मटेरियल को कुछ लॉस ना हो हाई टेम्परेचर की वजह से। बाद में थर्ड, कि एब्जॉर्बर प्लेट का जो मटेरियल है उसकी एब्जॉर्बिविटी, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक हीट जितनी हो सके उतनी हाई होनी चाहिए। और ऑब्वियसली हीट लॉस आपके कलेक्टर के अंदर मिनिमम होने चाहिए। अब्जॉर्बर प्लेट और ट्यूब्स का जो जॉइंट है वो होमोजीनियस और यूनिफॉर्म होना चाहिए, ताकि आपके पूरे ट्यूब कलेक्टर के अंदर जितने भी ट्यूब्स है हर ट्यूब को आपको एक जैसी हीट मिले, क्योंकि वहाँ पे अगर जॉइंट में अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो पर्टिकुलरली वहाँ पर हीट ट्रांसफर थोड़ा कम होगा और वहाँ पर आपको हीट यूनिफॉर्मली ट्रांसफ़र नहीं मिलेगी, इस वजह से भी आपकी एफिशिएंसी ड्रॉप हो सकती है। और आपके कलेक्टर के अंदर एब्जॉर्बर प्लेट के नीचे के साइड पे या फिर बॉक्स के अंदर के साइड में इंसुलेटर बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड किया जाना चाहिए, और किसी भी टाइप का लीकेज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि लीकेज ऑफ एयर की जो बात है वो सिर्फ एयर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स के लिए नहीं है, वहाँ पे तो ऑब्वियसली लीकेज नहीं होना चाहिए, लेकिन लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर में भी जो एयर टाइट स्पेस है उसके अंदर एयर का लीकेज या फिर एयर का एंट्री और एग्जिट नहीं होना चाहिए वहाँ पे भी, क्योंकि एयर की एंट्री एग्जिट हुई तो आपकी एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी और आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए एयर लीकेज भी अच्छी उसमें नहीं होना चाहिए। और ऑब्वियसली उसकी मैन्युफैक्चरिंग इजी होनी चाहिए और उसका खर्चा कम होना चाहिए। तो ये थी क्वालिटीज़ जो अच्छे फ्लैट प्लेट कलेक्टर को बताती रिप्रेजेंट करती है। अब हम बात करते हैं भाई फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स इतने सारे पढ़ तो लिए, उसको इतना दिमाग तो ख़राब कर दिया, लेकिन इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और काम क्या आता है वो अब हम देखते हैं। तो एडवांटेज देखते हैं पहले, सबसे पहले अच्छी खबर सुनने का बहुत शौक होता है तो एडवांटेज देख लेते हैं। तो डायरेक्ट और डिफ्यूज रेडिएशन दोनों अब्जॉर्ब कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए कि सोलर रेडिएशन जो है जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो कुछ रेडिएशन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली उतनी ही इंटेंसिटी के साथ आ पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर में आते ही डिस्पर्स हो जाते हैं। तो जो डायरेक्टली आ जाते हैं उन्हें हम डायरेक्ट बीम रेडिएशन कहते हैं, और जो डिस्पर्स हो गए उन्हें हम डिफ्यूज बीम रेडिएशन कहते हैं। तो ये दोनों ही रेडिएशन से हमारे सोलर फ्लैट प्लेट पैनल चल सकते हैं, और क्योंकि इनके अंदर कोई भी टाइप का मूविंग पार्ट नहीं है इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम आता है, इनका डिज़ाइन बहुत ही सिंपल होता है, कंस्ट्रक्शन भी सिंपल होता है और ख़र्चा भी बहुत कम होता है, और हीट लॉस भी बहुत कम होता है क्योंकि इनके अंदर इंसुलेशन दिया गया है। और फ्लैट प्लेट की हम कॉमन बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम एयर और लिक्विड दोनों को ही गर्म कर सकते हैं। अब भाई बुरी खबर तो सुननी ही पड़ेगी, डिसएडवांटेज में सुन लो। तो पहला तो है भाई एफिशिएंसी कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर से कम है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो एडवांटेज में हमने लिखा है ना कि मेंटेनेंस कम है, कॉस्ट कम है, ये सब हमने कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप के कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप के जो कलेक्टर हैं उनके कंपैरिजन में लिखा है कि उनके कंपैरिजन में कॉस्ट कम है और डिज़ाइन सिंपल है। और सेकंड, कि क्योंकि इनका साइज़ बहुत ही बड़ा होता है फ्लैट प्लेट वालों का तो इनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही हार्ड पड़ता है, और इनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम 60% ही मिलती है। ये भी देखो इनको प्रॉब्लम है कि 60% मिल रही फिर भी नहीं चल रहा, तो होगी है ना प्रॉब्लम, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप है वो इससे भी ज़्यादा एफिशिएंसी दे सकते हैं, और पावर जनरेशन पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है। तो आपको मैं याद दिला देता हूँ,
कि जो सोलर थर्मल पावर प्लांट हमने देखा था उसके अंदर सोलर कलेक्टर की मदद से हम स्टीम जनरेट कर रहे थे, यानी एक हाई टेम्परेचर वाटर बना रहे थे जो स्टीम बना रहा था आगे जाके। लेकिन उस पर्पज़ के लिए हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स को यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप के कलेक्टर्स चाहिए जो उतना हाई टेम्परेचर आपको दे सके। अब बात करते हैं यूजर्स की, तो पहला ऑब्वियसली पानी गर्म करने के लिए। सोलर रेफ्रिजरेशन प्लांट के ये एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है जिसके लिए हम स्पेशल अलग से लेक्चर सीरीज निकाल सकते हैं। स्पेस हीटिंग के लिए, सोलर कुकल्स के लिए, सोलर पंपिंग सिस्टम के लिए, डिस्टिल्ड वाटर बनाने के लिए, अग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ड्राई करने के लिए, वुड सीजनिंग करने के लिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स को सुखाने के लिए, ये सारे प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो भाई आज के लिए इतना दिमाग पका लिया है, अब इससे ज़्यादा मैं आपका दिमाग नहीं पकाऊंगा। और इसी के साथ आज के लेक्चर का ख़त्म करते हैं, और अगली बार फिर से दिमाग पकाना हो तो आ जाना भाई यहीं पे, अपना अड्डा ओरिजिन्स ईशाला है।